नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन फैल तुरी के बारे में जानकारी दूंगा। फैल तुरी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गाल ब्लेडर स्टोन के लिए। गाल ब्लेडर स्टोन की समस्या जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर से महिलाओं में जो है, लेडीज़ में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हालाँकि मेल्स को भी गाल ब्लेडर स्टोन होती है, लेकिन जो महिलाओं को जो है गाल ब्लेडर स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आम तौर पे ये धारणा बन चुकी है कि गाल ब्लेडर स्टोन जो है बिना ऑपरेशन के सही नहीं होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी गाल ब्लेडर स्टोन शुरू में ही अगर डिटेक्ट हो जाती है, जब उसका साइज 5 से लेकर 7 mm, 10 mm, 11 mm तक है, तो उस केस में गाल ब्लेडर स्टोन को होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा रोल उसमें प्ले करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से भी आप गाल ब्लेडर स्टोन को जो है ठीक कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर जो है 8 महीने 9 महीने 1 साल तक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं गाल ब्लेडर स्टोन के लिए, तो गाल ब्लेडर स्टोन भी धीरे धीरे जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी लोगों का ठीक हुआ है और ठीक होता भी है। बस इसमें यह है कि आपको प्रिकॉशंस थोड़ा रखना है खान पीन का, और मेडिसिन को रेगुलर लेना है। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। फैल तुरी जो है एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, जिसका कॉमन नेम जो है ऑक्स गाल के नाम से हम उसको जानते हैं। क्योंकि ये जो है आपके सांड जो होता है, ऑक्स का मतलब सांड जो होता है, उसके ताजे पित्त से जो है ये औषधि तैयार की जाती है, जो कि गाल ब्लेडर स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो भी है गाल ब्लेडर स्टोन पर, जिसमें मैंने आपको कुछ मेडिसिन और एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देखिए। गाल ब्लेडर स्टोन होने के क्या कारण है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम हैं, कैसे आपको पता लगे कि गाल ब्लेडर स्टोन है, और क्या उसमें प्रिकॉशंस हैं, तो मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देखिए। और वहाँ पर जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है उसको भी आप देखिए। तो दोस्तों, फैल तुरी जो कि मैंने अभी बताया, जैसे कि ऑक्स गाल के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो कि ताजे पित्त से तैयार होती है सांड के, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्स के ताजे पित्त से जो तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों गाल ब्लेडर स्टोन के लिए। जिन लोगों को 10 से 12 एमएम तक की गाल ब्लेडर स्टोन है, अगर वो इस मेडिसिन को रेगुलर यूज़ करते हैं और साथ में कुछ अन्य मेडिसिन भी लेते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी लेते हैं, तो गाल ब्लेडर स्टोन भी जो है बहुत से लोगों का इस मेडिसिन से अच्छी तरह ट्रीट हुआ है, ठीक हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ फैल तुरी की, तो इसमें जो है मैटेरिया मेडिका में लिखा है ग्रहणी के स्त्राव मतलब ड्यूड्यूनल सेक्रेशन को ये बढ़ाती है, वसा पदार्थों को, जो वसा जो है आप कैलेस्ट्रोल जो जम जाता है उन पदार्थों को घोलती है, तथा आंतों की कर्म कंचन क्रिया जिसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मोशन को ये बढ़ाती है, पित्त को पतला करती है और विरेचक तथा पित्त निसारक औषधि की तरह ये क्रिया करती है। हाजमे की जो गड़बड़ी है आपको, डिसऑर्डर जो है डाइजेशन का, अतिसार और ग्रीवा संधि दर्द होना इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है दोस्तों। पित्त नलियों में रुकावट, जो आपके बाइल डक्ट्स में रुकावट आ जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पित्त की पथरी हो या पीलिया हो, इनके लक्षणों में जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं आम से की तरफ, जैसे आपको डकारे आती हैं या गुड़गुड़ाहट होती है पेट में, तो उसके लिए भी जठरग्नि प्रदेश में जो गुड़गुड़ाहट होती है कई बार, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आंतों की कर्मकुचन गतियों का तीव्र गति से होना, इस केस में भी भोजन करने के बाद जैसे आपको नींद आने की प्रवृत्ति है, तो इस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों, पित्त की पथरियों में जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पित्त की पथरियों केस में आपको इसको 10x से 12x की जो पावर है उसमें विचार करना चाहिए, पित्त पथरियों में जो है लाभदायक है। हालांकि 10x से 12x जो पोटेंसी है थोड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप 3x में भी इसको ले सकते हैं। 3x में डॉक्टर एक्वेक में या SBL में आपको आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, पित्त की पथरी के लिए गाल ब्लेडर स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ आपको कुछ मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, जैसे बर्बरिस वल्गरिस है, फिर आपका जो है बर्बरिस वल्गरिस तो है ही, पित्त की पथरी में भी काम आता है और किडनी स्टोन में भी। उसके बाद चियोनेंथस है, मदर टिंचर है, और फिर आपका क्रेडस है और चिलिडोनियम है, ये चारों मदर टिंचर भी मिला के आपको
कम से कम 20 बूंद उसकी 2 से 3 बार यूज़ करना चाहिए, और साथ साथ फील टूर या तो 3x या 10x या 12x में जैसे भी मिलती है उसको यूज़ करें, और साथ में एक मेडिसिन कोलिस्ट्रीनम, कोलिस्ट्रीनम भी जो है 3x या 6x में जैसे भी आपको मिलती है उस पावर में यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों को 10 से 12 mm की पथरी है, ये मान के चलें कि जितने mm की पथरी है उतने महीने लगेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी तरीके से, जैसे 10 mm की पथरी है तो 10 महीने, 12 mm की है तो 1 साल, इस तरीके से आपको इसको रेगुलर सेवन करना। और साथ ही साथ जो प्रिकॉशन है, जैसे कोई हैवी चीज़ जो है, उड़द की दाल है, राजमा है, घी है, इस तरह की चीज़ों का भी, जो भी आपके फ्रेज होते हैं पथरी में, पित्त की पथरी में, उनको भी बरकरार रखना है, तभी जाकर आपकी पित्त की पथरी, अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, ना पित्त, आपकी पित्त की थैली पूरी बाहर निकले, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे एसिडिटी है, गैस बनना है, तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप एक बार इस मेडिसन्स को और इस कॉम्बिनेशन को मदर टिंचर के ज़रूर यूज़ करके देखें। बहुत सारे लोगों की पथरी जो है मैंने इस मेडिसन से ठीक की है, जिनकी 10 से 12 mm तक की थी, ज़्यादा बड़ी का तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन 10 से 12 mm तक की जिनकी पथरी थी और जिन्होंने रेगुलर मेडिसन ली है 1 साल, लगभग 11 महीने या 1 साल तक, उनकी मेडिसन से पथरी जो है पित्त की, काफ़ी हद तक, मतलब बिल्कुल उनको अल्ट्रासाउंड में दोबारा अगर अल्ट्रासाउंड करा के उन्होंने देखा है तो उनको पथरी फिर वहाँ पर नहीं मिली। तो इसका मतलब है पित्त की पथरी के लिए, गाल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों फील टूरी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लेने का तरीका और इसका नाम अच्छे से लिख दूंगा और मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी लिख दूंगा, और जो ऑलरेडी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कोई भी आपको गाल ब्लेडर स्टोन से रिलेटेड डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।